जम्मू कश्मीर के सुंजवान सैन्य स्टेशन के बाहर आतंकियों के हमले की घटना सामने आई। आतंकियों की गोलीबारी में सेना के एक जवान के शहीद होने की खबर है। सेना के अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने मिलिट्री स्टेशन के बाहर से छिपकर स्नाइपर गन से गोलियां चलाई थी। जवान के घायल होने के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बलों ने 3 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया है। सुरक्षा बलों ने बताया कि हथियार ड्रोन से गिराए गए थे। बीएसएफ और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 5 दिन में यह दूसरा हमला है। इससे पहले 29 अगस्त को कुपवाड़ा में एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए थे। इनमें 2 टेररिस्ट माछिल और 1 तंगधार में मारा गया था। सेना ने बताया था कि माछिल और तंगधार में 28-29 अगस्त की देर रात खराब मौसम के बीच संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। इसके बाद यहां सेना और पुलिस ने सर्चिंग शुरू की। इस दौरान मुठभेड़ भी शुरू हो गई थी।